के कौंसलरों को पैसे हाथ बाई हैंड पकड़ा गया, पैसे लेते हुए। आम जहाँ भी ऐसा था स्टैंड करने के भी पैसे लेते हैं बीजेपी के कौंसलर। लोग इतने परेशान हैं, दो तीन तो मेरे पास ऐसी शिकायतें आई हैं जो जिनके बेचारे उनके गिर गए, गिरने के बाद उनकी टांगें टूट गई। इनकी सरकार भी यहाँ, मेयर भी इनका, एमपी इनका, सेंटर में सरकार इनकी। कोई भी ऐसे तीन वायदे बताइए जो कि आप सत्ता में आने के बाद फोन करेंगे, करेंगे। जब आप एक देखो ना, एक काउंसलर का भाई शराब बेच रहा है तो वो नशे का कारण ही है ना। आप नौजवानों को कहाँ किस दिशा में ले जा रहे हो? तब ना जब बंदे ने कोई काम कराना पूछो कहाँ मिलेगा, ऐसे मिलूंगा और मिलता नहीं मिलाना नहीं, दस दस चक्कर करके बंदे वापस आ जाते तक देखा गए उस काम का क्या फायदा जी। मैंने अपना अपना सुधार करे, हमारी गलियां का कोई सुधार नहीं करे, मारे इधर का तो बिल्कुल नहीं करे जी। और कोरोना काल में वो तो कह रहे कि हमने सबके घर में राशन पहुंचाया, पूछे जनानियों दस लोग खड़ी करके पता चलेगा किन किन से हम आए हैं जी। इधर 10 साल हो गए हमें देखते देखते, वहाँ होता है रोज गीला गंदा होता है, यहाँ पे इतना किचन खाना है सुधार नहीं है। आप देख रहे हैं एडवोकास्ट टीवी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा चंडीगढ़ में इन दिनों नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, सभी पार्टी अपना कैंपेन में जोरों शोरों के साथ जुटी हुई हैं। इसी के साथ आपको बता दें इस बार मैदान में टोटल 203 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और सभी के बीच कड़ा मुकाबला है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 33 में, जिसके अंतर्गत आता है बुढ़ैल। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कांग्रेस पार्टी के विजय सिंह राणा जी से, वो किन किन मुद्दों के साथ इस बार मैदान में आए हैं। चलिए आपको बुलाते हैं। मैं भी आपको पहले बहुत बहुत मुबारक राष्ट्रीय की ओर से कि आपको कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट मिला है। बहुत थैंक यू आपका। सर आप इस बार किन किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे? यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों के अलावा सभी यहाँ पे सलाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है चंडीगढ़ में। ये चंडीगढ़ का ये पार्ट है पर ये सलाम से भी बुरी हालत है यहाँ की। गलियाँ टूटी पड़ी है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, साथ में यहाँ पे हर गली टूटी हुई है। यहाँ पे जो पानी के बिल है 300 गुना इन्होंने पानी के रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे लोग बड़े परेशान हैं। इन मुद्दों पे हम जा रहे हैं, ये एक भाईचारा हमारा कायम रहे, भाईचारे में देश का मुद्दा है, इन इन मुद्दों पे हम ले गए पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे गांव में भाईचारा कायम रहे, दूसरा गलियां जो टूटी हुई हैं उनको बनाएंगे, तीसरा पानी की जो बिल 300 गुना इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, हमारी सरकार आती है वहाँ पे ऊपर मेयर हमारा बनता है तो हम उनको वही जो पुराने रेट है उसी रेट पे लाने की कोशिश करेंगे। साथ में जो ब्लॉकेज है सीवरेज, जहाँ जहाँ सीवरेज नहीं डला सीवरेज डलाएँ, पानी का वो लाइट कई गलियों में तो अंधेरा पड़ा है वहाँ पे लाइट लगने की बहुत ज़रूरत है। साथ में यहाँ BPL कार्ड और राशन कार्ड, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो लोगों को टच करते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या है। सहन कराने जाते हैं तो 5-5 दिन लग जाते हैं, वहाँ सहन नहीं बेचारों गरीब आदमी के हो पाते। हम ये अनाउंस करते हैं जब भी जहाँ जाते हैं कि हम भोपाल स्टेडियम में एक अपना दफ्तर बनाएंगे, वहाँ टाइम टेबल होगा, वहाँ जैसे आम जनता को कोई परेशानी ना हो, हर अपनी सहन कराने में कोई दिक्कत ना आए। एक गरीब आदमी को सहन ही कराने थे वो भी नहीं कर पाते लोग। बड़ी अगर बात की जाए आम जनता की तो जनता का कहना है कि जब चुनावी दौर आता है तो अनेक पार्टी से उम्मीदवार आते हैं, आश्वासन देते हैं, अनेक वादे भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं उसके बाद वो मिलना तो उसके बाद कौन करेगा। ऐसा हम तो पहले भी 2 टर्म रहे हैं, फिर तीसरी टर्म हमारी मदर रही है। हम तो जो मोहर भी जेब में डाल के रखते थे, जहाँ भी कोई रास्ते में मिल जाता था वहीं पे उसके साथ मोहर लगाते। हमारे साथ इनके टाइम तो फंड की कमी नहीं थी, फंड हमारे टाइम हम छोड़ के जब छोड़ा था हमने तो बहुत फंड था। इनकी सरकार भी यहाँ, मेयर भी इनका, MP इनका, सेंटर में सरकार इनकी, फिर भी ये फंड नहीं ला पाए कॉरपोरेशन को चलाने के लिए। जो पहले आता था इनके 500 करोड़ की FDA थी रख के गए थे हम, वो भी इन्होंने तोड़ा के ऐसे ही उर्द फुर्द कर दी है। बेवजह गलियाँ ऑलरेडी पक्की थी उनको कभी तोड़ देते हैं, कभी सीवरेज के लिए तोड़ रहे हैं कहते हैं सीवरेज, जबकि सीवरेज ऑलरेडी प्रॉपर डला हुआ है, वो अननेसेसरी सीवरेज जब JCP से तोड़ रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं, दो तीन तो मेरे पास ऐसी शिकायतें आई हैं जो जिनके बेचारे उनके गिर गए, गिरने के बाद उनकी टांगें टूट गई, बहुत बुरा हाल है। मतलब अच्छा यहाँ पर लॉकडाउन पुराने काउंसलर जो है प्रेजेंट हैं, ये आप तो करते थे,
भी हाँ लॉकडाउन में लोगों ने लंगर लगाए, हमने भी लगाए, जो प्रवासी मजदूर थे उनको हम भेजने का काम कार्य भी किया, पर इन्होंने इनके लोग इसके भाई यहाँ पे शराब बेचते थे लॉकडाउन के दौरान। कितना समाज को कहाँ ले जा रहे हो आप? अगर आपका भाई शराब बेचेगा तो समाज को क्या शिक्षा दोगे? अरुण सूद जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं कराया कोरोना के अंदर। ये वो उनके ओपोजिशन पार्टी का काम ही यही होता है, ओपोजिशन नहीं कहते, रूलिंग पार्टी ने कहा, रूलिंग पार्टी को नहीं बोलना चाहिए, ओपोजिशन तो बोल सकता है, रूलिंग में तो आपसे काम लेना है, लोगों ने तभी चुना था आपको, तो आपका प्रॉपर आप गलियों में देखो जाके गलियों का क्या हाल है, क्यों नहीं कराया? आप जाके पूछो जितने गुरुद्वारे हैं, जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनमें हम लंगर लगाते रहे प्रवासी मजदूरों को, बस हम फैदा गाँव में वहाँ पर खड़ाते थे, वहाँ से उनको भेजते थे, उनके कहीं के पास पैसे नहीं थे बेचारों के पास जाने के लिए, वो अपने गांव जाना चाहते थे, उनको भी पैसे। अगर बात की जाए विपक्षी पार्टी बीजेपी की, तो बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है, कहा है कांग्रेस के टाइम में अनेक भ्रष्टाचार हुए। जिसके आप वीडियो देखते होंगे, आपको कई दफ़ा देखा होगा, यहाँ पर इनके काउंसलरों को पैसे हाथ बाई हैंड पकड़ा गया है, पैसे लेते हुए आम जहाँ भी ऐसा था सैन करने के भी पैसे लेते थे इन बीजेपी के काउंसलर, आमतौर पे आम कोई भी काम कराना बिना पैसे, रेडी वाले से आप पूछ के देखो, वो रेडी वाले से उनका पहले तो 2315 रुपये वैसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते थे, अदर सेक्टर्स में 810 रुपये है, चंडीगढ़ में बुढ़ैल गांव में सिर्फ 2315 रुपये चार्जेस, मतलब तीन गुना ज़्यादा चार्जेस यहाँ रेडी फड़ी वाले से लिए जाते थे। उसके अलावा काउंसलर का भाई वो वसूली करते थे, ये एक भ्रष्टाचार नहीं है और क्या है? अगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की और की जाए किसान आंदोलन जो कि एक साल से चल रहा है, लेकिन जैसे ही गुरु पर्व आया उस दिन पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए देश को कहा है कि कानून वापस, तो आपको क्या लगता है बाकी पीएम मोदी ने वो नहीं ये क्षमा तो झूठी, एक प्राइम मिनिस्टर कहता है भी MSP मैं बनवा दूंगा, उनकी वर्बली बात से किसान संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा भी रिटर्न में लिख के दे, प्राइम मिनिस्टर पे भी विश्वास नहीं किया, इतने झूठे हर बात पे झूठ, कितना झूठ बोलोगे आप? अगर उन्होंने किसानों को उठाना ही था, वो एक साल बेचारे धूप सारा बरसातों में सर्दियों में वो एक साल क्यों बैठे रहे बेचारे, अगर इन्होंने ऐसे वापस, पहली बात तो लेने जो लेने वाला है वो चाहता ही नहीं मेरे को चाहिए, फिर क्यों जबरदस्ती थोप रहे थे उसके उनके ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, जब वो लेना चाहते नहीं, मैं ये सड़क पार करना नहीं चाहता, आप मेरे को जबरदस्ती सड़क पार क्यों करा रहे हो? इसलिए ये माफ़ी नहीं, ये तो सिर्फ एक नीति थी, आने वाले पाँच जो चुनाव है पाँच स्टेटों के उनमें हार दिखाई दे रही है इनको, उसके तहत इन्होंने अपने वापस लिया, जो चार काले कानून तीन कानून जो भी है MSP कोई भी ऐसे तीन वायदे बताइए जो कि आप सत्ता में आने के बाद पूर्ण करेंगे ही करेंगे। पहले तो हम ये भी वायदा लोगों से किया है कि आने वाले टाइम में जो हमारा गांव बुढ़ैल है ये साफ सुथरा हो, इन्होंने इनकी रैंकिंग देखो कितनी आई है, पहले हमारा चंडीगढ़ फर्स्ट आता था सफाई में, अब 68 पे चले गए ये सफाई, हम ये चाहेंगे भी बुढ़ैल हमारा एक तो नशा मुक्त हो, ये दूसरा यहाँ पे हम अपने गांव सारे वार्ड में फर्स्ट आए, हमारा गांव भी बुढ़ैल को आदर्श गांव बनाया जाएगा, साफ सुथरा बहुत बढ़िया तरीके से इसको फर्स्ट ले आने की कोशिश करेंगे 35 वार्डों में। अपने वोटवासियों से कोई अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा अभी आपने ये पिछले 5 साल का जो दौर देखा है पिछले काउंसिलरों का, उनसे आपसे आपको पता ही लग गया होगा क्या किस किस कठिनाइयों से आपके गुजरना पड़ा, हम चाहेंगे भी ऐसी कठिनाइयाँ हम आगे से आपको हम नहीं आने देंगे। ये राणा जी इतना क्या कारण है नशा, आप कह रहे हैं नशा मुक्त कराएंगे, इतना नशा बढ़ने का क्या कारण है बुढ़ैल के अंदर? बुढ़ैल के अंदर कारण है यहाँ सुन, जब आप देखो ना एक काउंसलर का भाई शराब बेच रहा है तो वो नशे का कारण ही है ना, आप नौजवानों को कहाँ किस दिशा में ले जा रहे हो उसको, किस और ले जाने की कोशिश कर रही है, नशे का सबसे बड़ा कारण तो ये एरिया काउंसलर है पहले जिम्मेदार है, क्योंकि उसका भाई शराब बेच रहा है, तो समाज को हम कहाँ उस चीज़ को रोकने के लिए बताना चाहते हैं भाई, और साथ में बेरोजगारी इतनी है, नौजवान पढ़ता है तो उसको नौकरी नहीं है। अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही
चंडीगढ़ में हैं, लेकिन इस बार मैदान में आप पार्टी की पहली बार उतरी और उनका कहना है कि हम वादे नहीं गारंटी के साथ लोगों के कार्य पूर्ण कराएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो मैं तो ये कहता हूँ, ये बीजेपी की भी टीम है आम पार्टी, वो नहीं चाहते भी जो हमारी वोट को डिवाइड करना चाहते हैं, पर लोग जागरूक हो चुके हैं। उसका उदाहरण वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में उन्होंने बीजेपी के चपेट मारी है भी, वो जो मुस्लिम थे या बैकवर्ड क्लासेस थे उन्होंने एक मुठ होकर वोट डाली है, जहाँ पर 30-30 रैली प्राइम मिनिस्टर कर रहा है और होम मिनिस्टर कर रहा है, कितने 11 स्टेटों के मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कितना बेअर्थ पैसा उन्होंने जाया किया, वो बेअर्थ पैसा करके उन्होंने लोगों ने इकट्ठा एक मन बना लिया भी हमने ममता बनर्जी को भी जिताना है, वो उन्होंने एक बीजेपी के गाल पे एक चपेट मारी है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कांग्रेस पार्टी के विजय जी का कहना है कि बुदेल में नशा अधिकतर बढ़ चुका है, अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, साथ ही उन्हें अनेक वायदे भी किए हैं जो करने के वादा किया है, ऐसे कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बनी रही है मैं अभी चाहूँगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।